कोरोना वायरस का खतरा कम होते ही हरियाणा में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। वहीं आज 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता ने स्कूल पहुंचे छात्रों से बातचीत की। 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक आज से स्कूल खुल गए हैं, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहां पर आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर व्यवस्था की गई है और बच्चों के बैठने के लिए एक बेंच पर एक ही जो विद्यार्थी है उन्हें बैठने की अनुमति दी गई है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से लगातार स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वह ऑनलाइन की जाती थी, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था। आज स्कूल में बच्चे आए हैं, उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है और क्या क्या परेशानियां होती थी आपको ऑनलाइन क्लास में। क्या नाम जी आपका? मैं सर गौरव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 6th में। आज स्कूल में आए, कैसा लग रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है। क्या परेशानियां आती थी ऑनलाइन क्लास में आपको? सर नेट इशू हो जाता था और सर कई बार क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आते थे। क्या क्या समस्याएं आती थी आपको ऑनलाइन क्लास में? ऑनलाइन क्लास में एक तो आवाज क्लियर नहीं आती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। और आज स्कूल में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रहे यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास लेते थे, क्या क्या समस्याएं आती सर? यही था कि वॉइस क्लियर नहीं जा पाती थी हमारी, बच्चों को हम पूरा प्रॉपर देख नहीं पाते थे, क्योंकि वीडियो कॉल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती थी बच्चों के पास, तो इस वजह से वो प्रॉपरली देख नहीं पाते थे कि क्या दिखाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास बुक प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में वहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा था बच्चे का दिमाग, वो समझ नहीं पा रहा था, कोई टीचिंग एड प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पा रहे थे। तो अभी कैसा है, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्या व्यवस्था है? सर अभी तो ये कि इनका जो चैप्टर करवाए थे उसमें जो डाउट्स हैं वो इनके पूछे जा रहे हैं, और जो नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे एब्सेंट थे उस टाइम पे उनके पास फ़ोन की पॉसिबिलिटी नहीं थी या नहीं मिल पा रहा था, तो उनको दोबारा से चैप्टर करवाए जा रहे हैं। ये हमारे साथ क्लास टीचर थे। क्लास के टीचर का भी कहना है कि ऑनलाइन क्लास में हमें दिक्कत होती थी, और जो प्रिंसिपल है उनसे जानते हैं क्या व्यवस्था की गई है और क्या बैठने की व्यवस्था है और क्या क्या कोरोना प्रोटोकॉल। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स थे, छोटे बच्चों के स्कूल आज से खुले हैं, 6th से 8th क्लास के हरियाणा सरकार ने ओपन किए हैं, तो उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया है। प्रत्येक बच्चा मास्क के साथ आया हुआ है और प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स से कंसेंट ली गई है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इच्छा से बच्चों को भेजा था, उनके पेरेंट्स के पास हमने भेजा था कि कंसेंट देकर भेजें। सैनिटाइजर का और बच्चों के प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चे अपने कॉपी पेंस वगैरह टिफ़िन वगैरह पानी की चीज़ें एक्सचेंज कर नहीं सकते। जिन बच्चों के अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल में जाकर पढ़ें वह स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं, और जो चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ें वह ऑनलाइन क्लास के जरिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी लगातार चलेंगे और जो ऑनलाइन क्लासें थी वह भी लगातार चलेंगी सरकार के आदेशों के बाद। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार।